गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज यमुनानगर पहुंचे हैं। वे इस समय पूरे देश के अलग अलग इलाकों में दौरा कर रहे हैं ताकि कोरोना काल में एक जगह ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। वहीं महाराज जी ने गुरु पूर्णिमा को लेकर विस्तार से चर्चा की। व्यास पूर्णिमा हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का दिव्य पर्व है। व्यास अपने आप में एक परंपरा है। हमारी जितनी मुख्य ग्रंथ परंपरा है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है, ब्रह्मसूत्र है, भगवद गीता है, सब महर्षि वेद व्यास जी की कृपा से ही हम तक पहुंच पाए हैं। इसीलिए व्यास पूर्णिमा उनकी जयंती के उपलक्ष्य में दी जाती है और आज भी जिस आसन पर बैठकर कथा होती है उस परंपरा के सम्मान के लिए उसे व्यास पीठ बोलते हैं। जहाँ तक गुरु पूजा का प्रश्न है, व्यास के प्रारंभ की हुई अध्यात्म परंपरा हमारे तक क्योंकि हमारे गुरुदेव के माध्यम से पहुँचती है और इसीलिए गुरु पूजा के रूप में हम अपनी ऋषि परंपरा के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। साथ ही जो बात पूछी गई कि गुरु का जीवन में क्या महत्व है, वास्तव में हमारी ऋषि या हमारी गुरु परंपरा जीव को सन्मार्ग में ले जाने की प्रेरणा है। गुरु वह तत्व है जो जीव को उसके वास्तविक स्वरूप परमात्मा से जोड़ता है, परमात्मा की ओर मोड़ता है। जीव और परमात्मा के बीच की कड़ी है गुरु। गुरु एक तत्व है जो अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा बनता है। गुरु एक परंपरा है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। गुरु अपने आप में एक आधार है, जीवन का सार है जीवन का, क्योंकि जीवन को वास्तविक स्वरूप जो मिलता है, जीवन का महत्व जो पता चलता है, जीवन में सत्व क्या है, जीवन का तत्व क्या है, उसके पीछे केवल और केवल गुरु का तत्व है। और हमारी परंपराओं में जब हम देखते हैं, स्वयं भगवान राम, भगवान कृष्ण, उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु के महत्व को एक परंपरा और एक प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रखा। व्यास पूर्णिमा गुरु पूजा के रूप में भी है ताकि हम गुरु के माध्यम से अपनी पूरी परंपरा का सम्मान कर सकें, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकें और एक संकल्प ले सकें अपने परिवार में, जीवन में, समाज में ऋषि परंपरा का, गुरु परंपरा का सम्मान बनाए रखें।